टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक बात आपको बता दें कि मुंब्रा शहर में बीजेपी पार्टी जो है, जब से रीदा रशीद यानी कि बीजेपी पार्टी की महिला मोर्चा की ठाणे जिला प्रभारी जो रीदा रशीद है, उनके मुंब्रा में आने से और बीजेपी पार्टी का वर्चस्व जो है वो बढ़ गया था। बीजेपी की जो महिला है रीदा रशीद, उन्होंने मुंब्रा शहर के तमाम मुद्दों को लेकर अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, चाहे कब्रिस्तान का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे और भी अन्य किसी प्रकार का मुद्दा हो, उन सभी मुद्दों पर आवाज़ उठाई है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दिनों से जिस तरह से मुंब्रा शहर में ये भी आरोप लगने लगा इनके ऊपर कि ये चुनाव के वक्त सिर्फ नज़र आती हैं, उसके बाद चली जाती हैं, कई कार्यकर्ताओं के साथ इनसे जो है अनबन हुई, उसके बाद फिर मेल मिलाप हुआ। लेकिन कल जिस तरह से जो देखा गया नज़ारा मुंब्रा शहर में कि बीजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो बीजेपी छोड़कर शिवसेना पार्टी में जो है शामिल हो गए। हमारे साथ जो है रीदा रशीद मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। क्या ऐसा वजह थी कि जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, आपके साथ जुड़े हुए थे, इतने दिनों से काम कर रहे थे, तो क्या ऐसा हुआ कि जो है वो अब पार्टी छोड़कर शिवसेना में शामिल हो गए? देखो, वो लोग काहे के लिए गए ये मैं नहीं बता सकती। वो लोग गए, लेकिन अगर काउंटिंग अगर मुंब्रा के करोगे आप, तो मैं नहीं बोलूँ कि मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर मुंब्रा में मेरे दो कार्यकर्ता गए हैं, आज ही शाम को 500 महिलाओं का हमने स्वागत किया है हमारे पार्टी ने। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी थाना के कार्यालय में 500 महिलाएं आई है। एनसीपी की उपाध्यक्ष थी जिला की, वो अपने साथ अपनी बहनों को लेके आई। देखिए, पार्टी है, जिसको यहाँ जमता है उसको वहाँ जमता है, लेकिन मुझे पता है दो चार कार्यकर्ता यहाँ से वहाँ से जाने से, देखो काम करने वाले कभी जाते नहीं है। काम करने वाले, जैसे आपने कहा कि मैं इलेक्शन के टाइम देती हूँ, आज मेरे को लगता है सालों साल हो गए मुंब्रा में मैं काम करती हूँ, तो मैं प्रचार में उतना रहती नहीं हूँ। आप लोग को पता है कि मैं उतना एडवर्टाइजिंग नहीं करवाती हूँ अपना, लेकिन काम चल रहा है और काम करने वाले कार्यकर्ता अभी भी साथ में हैं और काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि हमारी बैठक चालू है और आगे कैसा काम कर रहे हैं हम लोग, तो कोई आने जाने वाले लगे रहते हैं, तो उसमें कोई मुंब्रा से जो कार्यकर्ता है वो मुंब्रा से छोड़ रहे हैं। जो आप बता रहे हैं कि थाना में आज शामिल हुए हैं, वो मुंब्रा के ही लोग, जो वार्ड नंबर 33 या 31 है, वहाँ के सभी लोग जो है थाने से पद लिए ना, थाने के कार्यकर्ता बनकर शामिल हुए, मुंब्रा से नहीं हो रहे ना? नहीं नहीं, हमने उनको प्रमोशन किया है ना, मंडल में जो कार्यकर्ता थे उन्हीं को प्रमोट किया गया है। जैसे अभी आपने देखा, पहला यहाँ का युवा मोर्चा अध्यक्ष था मुंब्रा का, उसको हमने उपाध्यक्ष बना दिया है अभी जिला में, तो सबका प्रमोशन होना चाहिए। तो जितने भी पहले मंडल में काम करते थे उनको अभी हमने जिला में लिया है, अभी मंडल की टीम बन रही है, तो प्रमोशन हुआ है सभी का। और जो गए हैं बाहर, उनका प्रमोशन नहीं हुआ इसलिए बाहर गए हैं, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया है उस तरीके से। वो तो कह रहे हैं कि आप काम ही नहीं करने दे रहे हो, कुछ बोलते हैं काम करना है तो आप बोलते हैं नहीं नहीं करना है। पूछ लीजिए कौन सा काम, कल पूछा ना उनसे हम लोगों ने, तो बोले कोई भी काम बोलो नहीं करने देते। अभी वो उनको ही मालूम क्या काम कैसा काम, लेकिन बाकी तो है ना, मैं भी तो हूं। फिर आप ये बताओ कौन सा काम था जो उन्होंने कहा आप मना? मुझे नहीं पता, मेरे लिए तो आप लोग ने देखा है, न्यूज़ वाले लोग भी कुछ मुझे काम देते, मैं वो भी करती हूँ, तो घर के लोगों का काम नहीं करूँगी क्या? और आप लोग ही देखते हो क्या काम करती हूँ क्या नहीं काम करती हूँ करके, आप लोग ही देखते हो। तो कार्यकर्ता तो ठीक है, जाने का बहाना चाहिए, तो उसने बोल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा है कि कोई एक दो कार्यकर्ता नहीं गए शिवसेना में, कम से कम 100 से 150 कार्यकर्ता बीजेपी के बताया जा रहा है कि बीजेपी के सभी कार्यकर्ता है, जो इशाक मुलानी है, शादाब है, आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता थे, और भी ऐसे बहुत सारे नाम है जिनका हमें नाम नहीं पता है, लेकिन आपको बेहतर पता होगा क्योंकि वो सब आपके कार्यकर्ता थे, तो आप ही बता दीजिए कि कौन कौन से नाम है जो 100-150 लोग गए हुए। मुझे नहीं पता, मुझे 1-2-4 नाम जो आपने गिनाया वही नाम मुझे भी पता है, बाकी के तो बाबा भी यहाँ पर पदाधिकारी रिक्शा वाला भी है, हमारे बूथ पे है लोग, हमारे इतने लोग हैं, तो मुझे नहीं लगता सभी लोग आके मिल रहे, ऊपर से कल के बारे में ऊपर से हंसी उड़ाते हुए मेरे को बोल रहे, तो मुझे नहीं लगता 1-2 दुख के नाम छोड़ के कोई और गया है। क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से आप काम कर रही थी लेकिन अचानक में पार्टी से छोड़कर जाना, कार्यकर्ताओं का ये कहना कि रीदा रशीद बाहर से आकर हम पे हुकुम चला रही थी, काम नहीं करने दे रही थी, तो क्या लग रहा है जिस तरह से आपने पार्टी बढ़ाया था अब वो धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही है मुंब्रा में,
बीजेपी इस इन्हीं लोगों ने जिनको मैंने वापस लिया था या पार्टी ने इनको वापस से लिया था, ये आप लोग के पास ही इसका डेटा है, इन्हीं लोगों ने फिर तब भी बोला था। देखो एक ही बात घड़ी घड़ी बोलोगे तो वो चलता नहीं है, कुछ विषय होना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया था उस टाइम पे, तो आपको पता है आप भी उसमें हिस्सेदारी थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके भी बोला गया था, देखो काम बहुत है, आप देश के लिए काम करना है, अपने कौम के लिए काम करना है, तो काम कोई अभी रिधा रशीद यहाँ काम कर रही है तो पार्टी तो बोल रही है, लेकिन मैं मेरे कौम के लिए भी तो काम कर रही हूँ ना। जैसे हम लोग जो तो मैंने बताया जनधन अकाउंट की काम बातें हो, नई रोशनी की काम, जितनी योजनाओं की बातें हैं मैं वो काम कर रही हूँ, तो इसमें ध्यान कम जा रहा है। और काम करने वाले बिल्कुल साथ में हैं, काम करने वाले बिल्कुल साथ में रहते हैं, और जो गए हैं उनके बारे में क्या बोलूँ। तो अभी आप मुंब्रा में बीजेपी पार्टी को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे आगे लाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ख़त्म होती नज़र आ रही है। शुक्र है अल्लाह का, मुझे तो ख़त्म होते नज़र नहीं आ रही है। आपने कल का वो जो आंकड़ा गिनवा दिया है ये आप ही जानते हो, एक दो जन को आपने ही मेरे बाजू में देखा हुआ है, यहाँ के मीडिया ने देखा हुआ है, यहाँ के शहर ने देखा हुआ है कि ये दो तीन जन जो कल गए हैं ये वो लोग ही गए हैं, बाकी आपने अभी भी देखा। दो लोग गए हैं, वो दो लोग अपने साथ में कई लोगों को लेके गए ना। मुझे नहीं पता ये कहीं ये इतने लोग कहाँ से आ गए, ये मेरे लिए भी शौक है कहाँ से आ गए उनके साथ में इतने लोग, लेकिन नहीं है, मेरे लोग सब साथ में हैं, पार्टी के सपोर्टर सब साथ में हैं, पार्टी को चाहने वाले सब साथ में हैं, और बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं वो सब भी साथ में हैं, एक एक कार्यकर्ता साथ में है, कोई नहीं गया है इसमें से। काम कैसे करेंगे आप मुंब्रा शहर में, आप कैसा काम करेंगे? आप तमाम आरोप लग रहे हैं कि आप लोग अभी चुनाव आ रहा है तो आ जाएंगे, फिर उसके बाद चुनाव खत्म होते चले जाएंगे। आपने कब मुझे देखा जाते हुए? नहीं आते हो, लेकिन शहर को कोई पता नहीं चलता ना, ग्राउंड लेवल पे कहीं जाते नहीं। जब आप आए थे शुरुआत में उस टाइम पे आप ग्राउंड लेवल पर जाते थे, लोगों से मिलते थे, लेकिन चुनावी दौर था, चला गया, अब नहीं जाते। क्यों? आज भी मिलती हूँ, लॉकडाउन में मैंने बहुत काम किया आपको पता चला, स्क्रीनिंग करवाया हमने आपको पता चला, हमने TMC के साथ मिलकर सब काम किया, आप लोग को नहीं बताया। देखो सभी चीज़ में प्रचार नहीं होना चाहिए, सब चीज़ में एडवर्टाइजिंग नहीं होना चाहिए, सब चीज़ छपके आनी चाहिए क्या? तो उनमें और हमारे में फर्क क्या रह जाएगा? कुछ चीजें ऐसे हैं जो जनता के सामने आना भी चाहिए ना। हाँ तो जनता का काम कर रहे हैं ना, जनता के सामने आना चाहिए, लेकिन जनता का काम भी होना चाहिए, सिर्फ जनता को दिखाने का काम करना है तो मालूम कैसे पड़ेगा लोगों? नहीं, जनता का काम हो रहा है, जनता का काम रिधा रशीद जाके कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जाके काम कर रही है, इसमें दिखाना हम कम करते हैं वो ना, वो दूसरे लोगों की, अगर मैं बोलूँ ना उनके साथ हमारे साथ क्या हमारे में उनमें फर्क है, वो दिखाते जाते हैं कम करते कम है, लेकिन हम करते ज़्यादा है दिखाते कम है, ये उनके अंदर और मेरे पार्टी में ये फ़र्क है। तो हम बहुत काम कर रहे हैं, आपको पूरी यादी चाहिए तो अगली बार मैं पूरा लिस्ट लेके भेज जाऊँगी, महिलाओं की लाइन लगाऊंगी, जितने पुरुषों के लिए काम करें। आज मुंब्रा में रोजगार की बातें हो रही है, मैं कर रही हूँ, आपको पता है? नहीं पता है क्योंकि मैंने बोला नहीं है, लेकिन रोजगार पे काम हो रहा है। रोजगार पे कितना काम, रोजगार पे क्या काम कर रहे हैं? बहुत सारी काम कर रही हूँ, जल्दी आप लोग के सामने लाऊंगी वो सब चीजें, और जल्दी पता भी चलेगा, अगर मैंने कभी एडवर्टाइज नहीं भी किया इस चीज का तो आप लोग के सामने खुद से आएगा कि किस तरीके से मैंने रोजगार के लिए काम किया है, और अंदर अंदर कितनी सारी योजनाओं पे काम हो रहा है, तरीके से बस्तियों में काम हो रहा है। जरूरत नहीं सभी चीजों का एडवर्टाइजिंग किया जाए। एडवर्टाइजिंग की बात आप कह रहे हैं, काम कर रहे हैं, अगर कौन सा ऐसा काम है आप काम भी कर रहे हैं फिर लोगों को दिखाई भी नहीं दे रहा है, नजर भी नहीं आ रहा है, तो कुछ दिखना तो चाहिए। आपने जनधन अकाउंट मैंने अभी तक 5,000 के ऊपर खोल दिया, आपको पता चला कितने जनधन अकाउंट जब से मैं आई हूँ लॉकडाउन में सभी को पैसा आया अकाउंट में, आपको पता चला? क्योंकि क्या होता है, बोले रिबीन काटना, चिल्ला के बोलना, रस्ते पे वो स्टॉल लगा के भिखारी के ऐसा हमारे कौम को देना, ये सब नहीं करना है मुझे। मुझे करना है, काम करना है, तो काम उसी शांति से होती है, उसी शांति से करना चाहिए। आएगा आप लोग के सामने जब इलेक्शन आएंगे ना, तो उस टाइम पे जनता ही सामने लाएगी सब चीज़ें कि किसने क्या किया है, किसने चिल्ला के काम किया है और किसने अपने काम से काम रखा है। तो उस तरीके से काम बहुत चल रहा है और शुक्र है अल्लाह का, आगे भी काम करते रहूँगी। आने वाले जो कॉर्पोरेशन का चुनाव है उसमें क्या तैयारी है बीजेपी की? बहुत सारी तैयारी है, अभी से क्या बोलूँ, काम पे लगे हैं और काम कर रहे हैं। इस बार कमल खिलेगा,
और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ कमल खिलेगा, और खिलाने के लिए मैं काम कर रही हूँ, इसलिए चिल्लाने से ज़्यादा काम पे ध्यान रख रही हूँ। और मेरे काम के लिए मैं कितना काम करूँ, किस तरीके से काम करूँ, उस पर मेरा फोकस है। ये भी बात है कि आपने राम मंदिर के लिए कुछ चंदा वगैरह दिया है? बिल्कुल दिया। अगर देश कुछ चाहता है अपने से तो हमारा फ़र्ज है देने का। अगर भव्य राम मंदिर बन रहा है तो देखो, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सभी ने मान्य किया है, इस देश का हर एक नागरिक ने उसको एक्सेप्ट किया है। तो अगर कुछ चीज़ अगर हम तो वो कौम में से है कि हम देने वाले में से है, बराबर ना, हमारी कौमी हमारा इस्लाम ही बोलता है हम देने वाले में से है। तो हमने अगर राम भूमि के लिए भी दे दिया तो क्या गया, हम तो देने वाले में से है ना। तो लेकिन ये मुमरा में बदला है विचार कि हम यहाँ मंगने वाले में से बनाया है, तो राम भूमि के लिए भी मैंने दिया। कितना दिया है, चंदा कितना? आंकड़ा देखो, हम दे रहे हैं तो आंकड़ा बताना मुझे लगता नहीं है ज़रूरी है, लेकिन पूरे मुमरा से तो अच्छा काम है ना, तो फिर हाँ बिल्कुल, पूरे मुमरा से हमने 101,000 रुपया निकाल के दिया राम भूमि के लिए। और सभी से मैं चाहूँगी, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, एक देश के हित में है, और जिसको हमने एक्सेप्ट किया है, जिस चीज़ को हमने एक्सेप्ट किया है, हम लड़े लेकिन आयन में जाके जो हुआ उसके लिए आज अगर मेरे घर से एक रुपया गया तो मैम देश, अगर मैं देशभक्त हूँ, अगर मैं इस देश को मानती हूँ, इस देश की हूँ, तो मुझे करना चाहिए। वो सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे देना चाहिए। काफ़ी कार्यकर्ताओं ने भी दिया, काफ़ी लोगों ने साथ दिया इस चीज़ के लिए, रिधा रशीद ने अकेले ने नहीं दिया है, सभी मुमरा वासियों ने दिया, और अच्छे से सभी ने प्यार मोहब्बत से दिया कि नहीं हमारी भी, किसी ने 1 रुपया दिया, किसी ने 10 रुपया दिया, जिसके जिसका जितनी हैसियत थी वो हिसाब से दिया। लेकिन शुक्र है कि सभी ने दिया, और सभी बढ़ चढ़ के चाहते हैं कि दे, और आगे भी आ रहे हैं देने के लिए, तो इससे बड़ी बड़ी बात क्या होगी लोगों की। तो आपने सुना, ये रीदा रशीद थी जिन्होंने बाखूबी बताया कि जिस तरह से बीजेपी पार्टी मुमरा शहर में आई, उसके बाद से मुमरा शहर में इनको लेकर तमाम बातें शुरू हुई, अभी भी बातों का सिलसिला यहाँ पर जारी ही है। लेकिन जो कार्यकर्ता इनके तरफ से, इनके पार्टी छोड़कर शिवसेना में शामिल हुए हैं, इनका कहना है कि उससे इन्हें असर नहीं पड़ता है, और भी तमाम कार्यकर्ता इनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने राम मंदिर के लिए जो चंदा दिया है, ये जो है गंगा जमुनी तहजीब भी इसे कहा जा सकता है, हिंदुस्तान की एक संस्कृति और सभ्यता भी है कि जो भाईचारे का पैगाम देती है। कैमरामैन अनिल के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।